हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही यूनिक टॉपिक है। आज का टॉपिक है दोस्तों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेग्स और हेड्स। मतलब ये है दोस्तों कि आपको पूछा जाएगा इस तरह से कि इतने लेग्स है, इतने हेड्स है, तो आपको बताना होगा कि कितने एनिमल्स है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम के अंदर, इसलिए दोस्तों आपको एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जिसकी मदद से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है। यहां पर लिखा गया है कि इन अ फार्म देयर आर काउस एंड हेंस, मतलब फार्म के अंदर गाय और मुर्गी है। और यहां पर आगे पढ़ोगे पता चलेगा कि इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180, मतलब टोटल हेड गाय और मुर्गी कितने हैं 180, मतलब हर जानवर के एक ही सर होगा। मतलब इससे क्या पता चला कि 180 मतलब टोटल एनिमल्स है। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 420, मतलब टोटल लेग्स काउस और हेंस के मिलाकर 420 है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों काउस के 4 लेग्स होते हैं और हेंस के 2 लेग्स होते हैं, ये मैंने लिख दिया है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ काउस इन अ फार्म आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर पाओगे? तो सिंपल दोस्तों फॉर्मूला क्या है कि आपको टोटल नंबर ऑफ काउ निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है कि यहां पर जो लेग्स दिए हुए टोटल 420 वो लिख लीजिए। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों कि टोटल नंबर 420 लेग्स बोला है तो इसमें से आपको क्या करना है, हेंस के लेग्स को माइनस कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों हेंस के 2 लेग होते हैं और टोटल एनिमल 180 है, तो 2 × 180 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 360 मिलेगा। तो इनको माइनस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे दोस्तों कि यहां पर 4 लेग्स और यहां पर 2 लेग्स, इनका डिफरेंस निकाल लोगे, मतलब माइनस कर लोगे। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहां पर आप 2 लिख लोगे। दोस्तों माइनस प्लस में घबराइएगा मत, ठीक है, आप बिंदास सॉल्व कीजिएगा। तो 420 माइनस 360 कितना होगा दोस्तों, 60 होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ टोटल काउ कितने हैं, 30 है। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ आपको हेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते, सिंपल दोस्तों यहां पर लिखते आप टोटल नंबर ऑफ हेंस। ठीक है, तो 420 क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स से क्या करोगे, हेंस का फाइंड करना है तो काउ का माइनस कर देंगे। तो यहां पर 4 लेग्स होते हैं एक काउ का, तो यहां पर टोटल नंबर कितना है, 180 है, तो यहां पर 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 4 × 0 = 0, 4 × 8 = 32, 2 यहां पर 3 कैरी, 4 × 4 + 3 = 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं 2 लिख लूंगा मैं, और 420 और 720 को माइनस करेंगे। तो ठीक है, यहां पर माइनस का नंबर आएगा लेकिन घबराइएगा मत, प्लस में आए या माइनस में आए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर 720 और 420 को माइनस करूंगा मैं तो यहां पर 300 आएगा, लेकिन बड़े के साइन माइनस की है तो -300 आएगा। तो माइनस से घबराएगा मत, ठीक है, कुछ भी आए, प्लस आए माइनस आए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये 2 को यहां पर लिख लोगे, इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा 150। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता अगर यहां पर पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ हेंस पूछा जाता। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ काउस पूछा गया है, तो 30 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज डिटेल में सिखा दिया है। अब दोस्तों और भी सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिससे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है कि इन अ फार्म हाउस देयर आर हेंस एंड गोट, मतलब यहां पर मुर्गी और यहां पर बकरी रखी हुई है। ठीक है, तो इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 38, टोटल हेड्स कितने, 38 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 38 है, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 100, मतलब टोटल लेग्स कितने हैं, हेंस और गोट्स के 100 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गोट इन द फार्म हाउस। तो क्या करोगे, यहां पर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ गोट आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ गोट फाइंड करना हो तो टोटल लेग्स यहां पर लिख लीजिए, टोटल लेग्स में से आपको हेंस के लेग माइनस करना होगा। तो यहां पर पता है आपको कि हेंस के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, मतलब 2 लेग्स होते हैं। तो यहां पर टोटल एनिमल कितने, 38 है, तो 2 × 38 करोगे तो 2 × 8 = 16, कैरी 1 × 2 = 3 = 6 = 7, तो 76 हो गया। तो यहां पर −76 करोगे, और दोस्तों क्या करना है, दोनों जानवर का पैर आपको फाइंड करना होगा। मतलब कैसे, कि हेंस के 2 होते हैं और गोट से कितने होते हैं, पैर 4 होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो 4 − 2 करो या 2 − 4 करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 4 − 2 करो कितना होगा आपका, 2 आ जाएगा,
इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, इसको माइनस करोगे तो आपको 24 मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करोगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 12 आ गया। मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ गोट कितने हैं फार्म के अंदर, टोटल 12 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अब दोस्तों आपको और भी सिखा देता हूं मैं। अगर आपको पूछा जाए कि हेंस के आपको टोटल नंबर निकालना हो तो कैसे करोगे, लिखोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ हेंस, ठीक है लिख दिया। आपको क्या करना है, टोटल लेग्स आपको लेना है, ठीक है, तो टोटल लेग्स यहां पर ले लिया मैंने। अब हेंस के आपको लेग्स निकालना है तो गोट के लेग्स को माइनस करना होगा, तो यहां पर गोट्स के 4 लेग होते हैं और टोटल नंबर कितने हैं एनिमल्स के, 38 है, तो 38 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 8 4 32, 2 यहां पर 3 कैरी में चला गया, 4 3 12, 12 प्लस 3 कितना होगा 15 152, तो यहां पर -152 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, क्योंकि गोट के 4 लेग होते हैं और हेंस के कितने 2 लेग्स होते हैं, राइट, तो 4 - 2 कितना होगा 2 होगा। ये इसलिए करा रहा हूं मैं कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अगर नंबर नेगेटिव में आ जाता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहां पर 100 - 152 करोगे तो -52 आएगा, डिवाइड बाय 2, तो यहां पर देखोगे तो 2 2 4, यहां पर 1 रिमाइंडर, 2 6 12, तो यहां पर 26 आ गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ हेंस कितने हैं दोस्तों, 26 है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ गोट इन द फार्म हाउस, तो कितने हैं 12 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज आप अच्छे से सीख रहे हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन दोस्तों, जिससे मैं आपका कांसेप्ट में क्लियर कर सकूं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेकर आऊं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑटो रिक्शा एंड मोटरसाइकिल इन ए गैरेज आर 60, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्या है दोस्तों, 60 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर बोला गया द नंबर ऑफ इट्स ऑल व्हील्स आर 160, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने दोस्तों, 160 है। तो देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा को फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सिंपल दोस्तों यहां लिखेंगे हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ ऑटो आपको फाइंड करना है, तो क्या करना होगा आपको, आपको नंबर ऑफ व्हील्स आपको निकालने होंगे टोटल, ठीक है। तो यहां पर 160 टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है, तो यहां पर 160 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है कि ऑटो के व्हील्स को आपको फाइंड करना है, तो आपको मोटरसाइकिल के व्हील को माइनस करना होगा। तो आपको पता है कि ऑटो रिक्शा में व्हील कितने होते हैं, 3 होते हैं, और मोटरसाइकिल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 60 हैं। तो क्या करना होगा, अगर ऑटो का नंबर फाइंड करना होगा तो 160 टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है, तो आपको क्या करना होगा, मोटरसाइकिल के व्हील से आपको माइनस करना होगा। तो टोटल नंबर 60 है, 2 होते हैं मोटरसाइकिल के व्हील, तो 6 2 12, और 0 साथ में आ गया, तो यहां पर माइनस। उसके बाद क्या करना होता दोस्तों कि यहां पर ऑटो का व्हील देखिए 3 है और मोटरसाइकिल का व्हील 2 है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना होता है, तो 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा, तो 160 - 120 कितना होगा, यहां पर 40 होगा, डिवाइड बाय 1 मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो 40 आपका आंसर आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑटो कितने होंगे, 40 होंगे, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, जैसे कि सभी लोग जानते हो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम करीब आ गया और स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, राइट, लेकिन वो मेहनत सही से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कैसे पता चलेगा, तो वर्कशीट सॉल्व करने से पता चलेगा। तो आपके लिए दोस्तों ओसवाल के ये बुक लेके आया दोस्तों, इस बुक के अंदर 3 सब्जेक्ट का वर्कशीट इंक्लूड किया है, जैसे दोस्तों साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। और दोस्तों ये जो बुक दोस्तों जो सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट किया है, उस अपडेट के हिसाब से बुक को डिजाइन किया गया है। और दोस्तों आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इंक्लूड्स प्रोग्रेस चेक फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, और दोस्तों यहां पर एसेसमेंट रीजनिंग क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एमसीक्यू, और हर एक चीज दोस्तों डिटेल में मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हर एक चैप्टर का वर्कशीट बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। तो अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है, यहां पर बोला गया है कि 380 मैंगोस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब यहां पर क्या किया है, 380 मैंगोस को बॉयज और गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और यहां पर 85 इन नंबर्स, मतलब टोटल नंबर कितने बॉयज और गर्ल्स के, 85 दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईच बॉयज गेट 4 मैंगोस, मतलब तो यहां पर लड़कियों को कितना मिल रहा है दोस्तों, 4 मैंगोस मिल रहा है, राइट, और यहां पर ईच गर्ल्स को कितना मिल रहा है, यहां पर 5 मैंगोस मिल रहा है, इतना क्लियर हो गया है। तो आपको यहां पर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, तो यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ बॉयज, कैसे फाइंड करोगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, आपको क्या करना है, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैंगोस कितने दिए, 380 दिए, तो यहां
यहां पर 380 आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे कि आप वहां पर क्या करते हैं लेग्स में और यहां पर रिक्शा के जो व्हील जो है उसमें फाइंड किया था आपने, कैसे फाइंड किया था कि यहां पर बॉयज को कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, राइट। यहां पर गर्ल्स को कितना मिल रहा है, यहां पर 5 मिल रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है तो क्या करना होगा, गर्ल्स के नंबर को माइनस करना होगा। तो यहां पर एक गर्ल्स को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो यहां पर टोटल कितने हैं 85 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस करना होगा। 5 5 25 5, यहां पर 2, 8 5 40 40 प्लस 2 42, तो यहां पर 425 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर दोस्तों डिफरेंस निकालना होता था, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो यहां पर गर्ल्स को कितना दे रहे हैं हम लोग, 5 दे रहे हैं, और यहां पर बॉयज को कितने दे रहे हैं दोस्तों, 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 और 5 का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, तो यहां पर हम 1 लिख लेंगे। और 380 माइनस 425 करोगे तो -45 आएगा, लेकिन माइनस को टेंशन लेना नहीं है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में है कोई टेंशन मत लो, सिंपल दोस्तों नंबर का फोकस करो। तो 45 दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों आपको एक होमवर्क भी देता हूं मैं, उसे आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। तो चलिए आपको होमवर्क दे देता हूं मैं। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क लेके आया हूं, देखिए ये वाला होमवर्क है, इसे सॉल्व कीजिए। एक हिंट देना चाहूंगा दोस्तों आपको, यहां पर 90 पैसे और 65 पैसे दिया है, तो 90 मत लिखना है, यहां पर 0.90 होगा, क्योंकि पैसे दोस्तों क्या होता है, 90 पैसे नहीं होता, 0.90 होता है, राइट। तो गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह के वर्ड दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। तो सॉल्व कीजिए, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, आपका आंसर का मैं वेट करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।